क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। खबर नालंदा से है, जहां जिले के उत्पाद विभाग के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत की गई है। और लिखित शिकायत अधिवक्ता शिव कुमार यादव द्वारा की गई है। वही आवेदन में बताया गया है कि उत्पाद इंस्पेक्टर नरेश महोता अपने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मनमानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर निर्दोष लोगों को शराब कांड में फंसाने का भी काम कर रहे हैं, जिससे उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर अब सवालिया निशान भी लगातार खड़ा हो रहा है। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां जिला मुख्यालय सासाराम में प्रभात फेरी के साथ 2 दिवसीय शेर शाह महोत्सव की शुरुआत हुई, जहां रोहतास जिला उप विकास आयुक्त शेखर आनंद और एसडीएम मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया है। वही उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने बताया कि शेर शाह महोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रभात फेरी से आगाज किया, एसडीएम साहब ने बताया है कि सिविल सर्जन ऑफिस में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप और भी हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए हैं, और शाम में फिर फजलगंज स्टेडियम में जो मेन कार्यक्रम है उसके पहले 3 बजे मल्टीपर्पज़ हॉल में गोष्ठी और मुशायरे का कार्यक्रम है, और शाम में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें कि क्षेत्रीय कलाकारों और बॉलीवुड कलाकारों के। खबर रोहतास से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव बरामद हुआ है। वही परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जबकि पूरा मामला सासाराम नगर थाना अंतर्गत कादरगंज मोहल्ले का बताया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 2000 के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले और नीतीश कुमार के कर्नाटक शपथ ग्रहण समारोह में जाने से लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा है और वहीं मीडिया के सामने जुबानी वार भी तेज कर दिए हैं। अरे 24 में सुन लीजिए कान खोल करके, ये जितने देखते हैं ना, कल सुना कि दरभंगा में, अब तो उनको कोई स्मरण भी नहीं रहता है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री। कल सुना है कि नहीं सुना है आपने? और सुना है कि नहीं सुना है? सारे लोग मीडिया के लोग थे, अब अपने को। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर बिहार के नवादा शहर के मेन रोड से है, जहां नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां ये अभियान सदर SDO अखिलेश कुमार और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चलाया गया है। तो वही इस दौरान सड़क किनारे खड़ी बाइक की हवा भी निकाल दी गई है, साथ ही अतिक्रमणकारियों से जुर्माना तक वसूल किया गया है। वही SDO ने कहा कि अतिक्रमण के कारण मेन रोड में जाम की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही थी, जिसको देखते हुए यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां दुकानदारों में हड़कंप मच गया, तो वहीं सड़क किनारे खड़ी बाइकों की भी हवा निकाल दी गई है। वहीं पुलिस द्वारा कहा गया है कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अब खबर गया से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई है और इस घटना में करीब 10 लाख की कीमत के उपकरण और दवा जलकर राख हो गई। साथ ही आग लगने की घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और किसी तरह स्वास्थ्य केंद्र में रहे सभी डॉक्टर और मरीज के साथ कर्मी बाहर निकले और अपनी जान बचाई। वही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो गया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें जो है वो दूर दूर तक निकलती हुई दिखाई दी, तो वही धुएं का गुबार भी साफ तौर पर जब ग्रामीणों ने निकलते हुए देखा तो तत्काल प्रभाव से अग्निशमन विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। खबर बिहार के भागलपुर में मुजाहिदपुर से है, जहां थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जहां परिजनों की माने तो छात्रा अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद रूम को खोलने का प्रयास किया तो छात्रा का शव फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने आनन फानन में छात्रा को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो आत्महत्या किस तरह से की है? वो गला में फांसी लगाया था। क्या नाम था उनका? ऋषिका गुप्ता। उम्र क्या था? उम्र 16 साल। आप कौन है उनके? उनके पापा हुए हम। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुमन रोशन। घर कहाँ था आप? बड़ी हसनगंज काली स्थान के पास है मेरा घर, मिर्जानहाट। तो वही बिहार के बाढ़ में NTPC थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियापुर गांव के पास गंगा नदी से युवक का शव बरामद किया गया है और युवक की पहचान दरियापुर गांव निवासी सनी कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक शनिवार की ही शाम से लापता था और परिजन लगातार युवक की खोजबीन भी कर रहे थे। इसी दौरान युवक का शव गंगा किनारे मिला, जबकि ग्रामीणों ने युवक का शव लगाते हुए हाईवे को भी जाम कर दिया और आंदोलनकारी मुआवजे की मांग तक कर रहे हैं। साथ ही सूचना पर पहुंचे पुलिस ग्रामीणों को समझाने का भी प्रयास करती हुई दिखाई दी है। गंगा जी में डूब गया, समझ गए। गांव का उप मुखिया जो है कि नाइ टाइप लग बुलाया, उसको निकलवाया, वही गंगा जी में डूबल। दरियापुर का क्या नाम है इसका? सन्नी नाम है, सन्नी कुमार। 4 बजे घर से लापता थी। कब? 4 बजे। 4 बजे कल शाम को 4 बजे से लापता थी। उनको खोज खबर हुआ, मम्मी पापा खोजे तो कोनार के परिवार को, तो नहीं पता चला। और फिर एक सुबह एक साइकिल से आए मतदान आए, बोले कि एगो साइकिल है, चप्पल है, कपड़ा है, तो जाके देख लीजिए कोई दरियापुर के लड़का, तो जाके देखे तो दरियापुर के लड़का। तो
तो वहीं भागलपुर में नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज भागलपुर के कार्यालय में आयोजित की गई है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि शहरवासियों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। बता दें कि एक जगह कई वार्ड के लोग होल्डिंग टैक्स को आकर जमा कर सकते हैं। कई लोगों को नगर निगम में टैक्स जमा करने में परेशानी होती है, इससे निजात दिलाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। वह शिविर संयोजक ओम प्रकाश कनोडिया ने बताया कि ये शिविर 20 मई से लेकर 27 मई तक चलेगा, जिसमें 19, 20, 21, 30, 35, 36, 37 और 38 वार्ड के लोग अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर पाएंगे। वही शिविर की समय की जो अवधि निर्धारित की गई है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।